बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत छदाकला और ग्राम पटपरा में लाडली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों को विधायक शिव नारायण सिंह के द्वारा लाडली बहना योजना का स्वीकृति पत्रक प्रदान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाडली बहनों के द्वारा बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह का स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। इसके बाद विधायक शिव नारायण सिंह के द्वारा लाडली बहनों से सीधा संवाद किया गया। उन्होंने कहा कि आप सभी लाडली बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। नमस्ते, मैं विजय देवी यादव, ग्राम छादा कला। हमारे शिवराज सिंह चौहान, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी लाडली बहनों की तरफ से। आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज आपके द्वारा यहाँ ग्राम पंचायत छादा कला में लाडली बहना योजना का स्वीकृति पत्र बांटा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की बहनों के लिए बहुत बड़ी योजना, एक नई क्रांति मध्य प्रदेश में आएगी लाडली बहना योजना के माध्यम से। 10 जून से उनको एक खाते में 1,000 रुपये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भेजेंगे बड़े कार्यक्रम करके, और ये उनके जीवन में उत्साह, आनंद, उनके जीवन में खुशहाली हो, इस हेतु इस तरह की योजना हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री ने बहनों के लिए बनाई है। निश्चित रूप से उनके जीवन में खुशहाली आएगी और बड़े पैमाने पर हमारी बहनों ने पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह के साथ फार्म भरा और बहुत बहनों के हमारे स्वीकृत हुए। आज वो स्वीकृत प्रमाण पत्र ग्राम छादा कला में उनको वितरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की तर्ज पर कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना चला रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? न वे सरकार में है, न उनके पास कोई अथेंटिक ऐसा कोई वो भी नहीं है कि हम देवे करेंगे, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए वो नारी सम्मान चला रहे हैं कि हम 1500 देंगे। उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जब सरकार आई थी 2018 में, 15 महीने की सरकार बनी थी, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जनता जनार्दन को, प्रदेश की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाया था कि जब सरकार बनेगी तो 2,00,000 रुपये कर्ज माफ करेंगे, और नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को, जो पढ़े लिखे हमारे भाई नौजवान हैं, उनको 4,000 रुपया महीना दिया जाएगा। तो उन 15 महीने की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने दिया क्या? एक अब जब हम दे रहे हैं खाते में 1,000 रुपया बहनों को, तो पूरे मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना चलाकर लोगों को भ्रमित करने का, माताओं बहनों को भड़काने का काम षड्यंत्र कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो उनसे यही कहूँगा कि इतना षड्यंत्र काश आप लोग शुरू किए होते जब आप लोगों की सरकार हुई थी, 2000 के पहले सरकार हुए थे, और आदि के बाद भी आप ही लोग की सरकार थी। तो जिस तरह के आप ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग को अवसर न मिलता जो आज हम ये आप काम कर रहे हैं, लोगों को योजना बनाकर देने का काम कर रहे हैं, चाहे भाई हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हों स्कूल के। यदि आप ये सब किए होते तो आज ये आपको ये नारी सम्मान न चलाने को न पड़ता, न भटकने को पड़ता। जो आज आप ये कर रहे हैं, वास्तव में आपको ये सीख मिल रही है, आपने इतने दिन तक राज किया उसकी एक सीख मिल रही है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा, माताओं बहनों से, भड़कने की आवश्यकता नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहें और सजग रहें। नौरोज आवाज से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।